तो यार वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार बट इंटरेस्टिंग होने से पहले बताना चाहता हूँ, जो इंट्रो तुम लोगों ने लास्ट के वीडियो में देखा था, आज के वीडियो में देखने वाले हो, उसको बनाया है PokeVex ने। तो यार उसे बहुत बड़ा शाउट आउट, तो उसने एक कतई तबाही सा इंट्रो बना के दिया, तो उसका चैनल चेकआउट ज़रूर करना। तो आज का टॉपिक है टॉप फाइटर इन पोकेमॉन। तो यार आज के वीडियो में हम बहुत सारा मजा आने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ और मेरे ओपिनियंस देने वाला और ये जो लिस्ट बनाई गई है पूरी सी उसके बारे में बताने वाला। तो दोस्तों ये ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो यार अभी जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। तो यार बता दो सबसे पहले कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है पूरी फैन मेड है, यानी ये पूरी मेरी तरफ से बनाई गई है। तो यार ये मेरे वजह से बनाई है। तो यार अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों आज की लिस्ट में नंबर 5 में जो ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन आते हैं वो आते हैं जनरेशन 5 से। जी हाँ, जनरेशन 5 यानी यूनोवा रीजन, हमारा यूनोवा रीजन। अगर किसने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो यार। और इन ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन के नाम है थंडरस, लैंड्रस और टॉर्नस। दोस्तों यार इन तीनों को इस लिस्ट में लाने की वजह मेरी ये थी, क्योंकि यार ये मेरे यूनोवा के मतलब बस यूनोवा के यही तीनों लेजेंडरी पसंद है, क्योंकि यार ये बहुत ही कूल दिखते हैं, डैशिंग दिखते हैं और इनकी ताकतों के बारे में तो कमाल ही बता। तो यार इसलिए मैं इनके बजाय रेजिट्रियो को लेने वाला था, बट मैंने सोचा रेजिट्रियो से ये तीनों बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मतलब इन तीनों का लेवल बहुत ही अलग है। तो इसी की वजह से हमारे इस लिस्ट में ये थंडरस ट्रियो आते हैं। तो यार अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और जो नंबर 4 पे जो तीन लेजेंडरी पोकेमॉन्स आते हैं और वो कौन से जनरेशन से आते हैं वो बताता हूँ। ये आते हैं जनरेशन 2 से, यानी अपना जाना माना, सबका प्यारा या फिर प्यारा नहीं बोल सकता झूठो रीजन। तो यार तुम लोग ने सोच ही लिया होगा, वो है हमारे लेजेंडरी बीस्ट राइको, एंटाई और स्वीकुंड, वाटर फायर और इलेक्ट्रिक टाइप। तो यार तो इन तीनों के बारे में और क्या बताओ यार। स्वीकून गंदे पानी को भी साफ कर सकता है, एंटाय लावा में से आया हुआ है, और राइको एकदम थंडर जैसा है। सबसे पहली चीज़ इन लोग चौथे नंबर रखा है, क्योंकि इन लोग का ज़्यादा अपियरेंस हुआ नहीं है, यानी बस एक है दूसरी मूवी में से इन लोग को अपियरेंस किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स में से इन लोग को अपियरेंस किया गया है। तो यार इन लोगों में बहुत सारी ताकत है, और इनके पीछे एक मिथिक स्टोरी भी है। तो यार अगर उस मिथिक स्टोरी तुम लोगों को तो पता ही होगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन तीनों की खासियत है फायर, वाटर और थंडर। तो यार इन तीनों की एक स्टोरी बता दूँ, ये लोग एक इसमें थे, तो ये कोई छोटे पोकेमॉन्स थे, उसके बाद वो ने इन्हें एक लेजेंडरी पोकेमॉन्स में बदल दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्हें नंबर 4 पे रखा हुआ है। तो नंबर 3 के बारे में बात करते हैं अभी। नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आते हैं वो जनरेशन 1 से है। जी हाँ, जनरेशन 1 से है, और अपना सबका प्यारा कैंटो रीजन। तो यार तुम लोग ने सोच ही लिया होगा ये पोकेमॉन्स कौन से हैं और ये ट्रियो लेजेंडरी कौन से है। तो यार ये अपने प्यारे हैं लेजेंडरी बर्ड्स, जो तुम लोग को बहुत प्यारे लगते हैं और सबसे ज़्यादा दुलारे हैं, वो है जैपडोस, आर्टिग्रो और मोल्ट्रस, लेजेंडरी बर्ड्स फ्रॉम कैंटो रीजन। दोस्तों यार इन्हें इस लिस्ट में नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, क्योंकि यार ज़्यादातर रीजन सब ने नहीं देखा, क्योंकि बाकी सब लोग टीवी पे देखते हैं, तो यार टीवी पे बस कैंटो रीजन लगता रहता है और यार उसमें इन लोग का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो यार ये तीनों का बहुत ही अच्छा सा फैन बेस बन चुका है, तो इसी कारण इन लोगों को इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजिशन मैंने दी है। और ये लोग पोजेस करते हैं फायर की पावर, इलेक्ट्रिक पे पावर और आइस की पावर, यानी आर्टिकिनो एक फ्लाइंग और आइस टाइप पोकेमॉन, जैपडोस थंडर और थंडर ऑफ फायर टाइप पोकेमॉन, और मोल्टस फायर टाइप एंड फाइंग टाइप पोकेमॉन। तो इन्हीं सब चीज़ों के ध्यान में रखते हैं इन लोगों को नंबर 4 पे रख तीन पे रखा था। तो नंबर 2 पे जो पोकेमॉन आते हैं वो आते हैं जनरेशन 3 से। जी हाँ गाइस, जनरेशन 3 से जो पोकेमॉन वो है यून होएन रीजन। और यार ये जो तीन पोकेमॉन है वो भी ये मेरे बहुत ही फेवरेट पोकेमॉन्स है, लेजेंडरी पोकेमॉन्स, और वो है रेक्वेजा, कायोगर और ग्रोडॉन। दोस्तों यार ये किसके फेवरेट ना होंगे यार, ये कतई तबाही मचाने वाले पोकेमॉन है यार। अगर ग्रोडॉन प्राइमल बन गया और कायोगर प्राइमल ला सकता है और
अगर रेक्वेजा मेगा इवॉल्व हो गया तो भाई कतई फाड़ू जैसे दिखता है यार। तो यार आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, मतलब कमाल यार। इन तीनों के बारे में मैं और क्या बोलूँ यार, ये होएन में डिजर्व करते हैं यार। और इनकी पावर्स तो भाई कुछ और ही लेवल की है, मतलब ये कुछ डिस्ट्रक्टिव पोकेमोन्स जैसे उसमें आते हैं कायोगर, ग्रोडन और रेक्वेजा। तो यार इनके शाइनी फॉर्म्स भी बहुत बढ़िया है, अगर पोकेमोन को खेलते हो तो यार उसमें शाइनी फॉर्म्स इसके अवेलेबल है रेक्वेजा को छोड़ के। बट इनके बेस्टेट्स और बेस्टेट्स की तो बात ही मत करो यार, ये तो कुछ अलग दर्जे के, ये आरशेस को आरशेस से भिड़ने वाले पोकेमोन हैं। तो यार इसी के कारण इन पोकेमोन्स को मैंने अपने लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन दी हुई है। तो दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और नंबर 1 जो ट्रियो लेजेंडरी पोकेमोन्स है उनको बताने से पहले मैं तुम लोग को 5 सेकंड का टाइमर दे देता हूँ, यानी 5 सेकंड की बात दे देता हूँ, मतलब वीडियो पॉज कर दो और 5 सेकंड रुको, गेस करो कौन हो सकते हैं। और अगर तुमने इन तीनों के बारे में सोचा, जो है हमारे चीनों के और वो है हमारे डीएलगा, पालकिया और जिरेटिना, तो यार तुम 100% श्योर हो, क्योंकि ये तीनों इस लिस्ट में आने ही थे। ये तीनों वो पोकेमोन्स है जो आरसीएस ने सबसे पहले क्रिएट किए थे बाकी सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। जी हाँ गाइस, पालकिया स्पेस टाइम को, स्पेस को क्रिएट करता है, डीएलगा टाइम को संभालता है, और गिरेटिना डार्क मैटर को संभालता है। यार मतलब इन तीनों को एक स्पेसिफिक रोल्स दिए थे, बट ये तीनों अपने इसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और बहुत ही झगड़ा करते हैं, तो इसलिए आरशियस ने इन तीनों को अपने अपने डिमेंशंस दे दिए। तो उन डिमेंशंस में, पैरेलल डिमेंशंस में ये रहते हैं अभी, और ये फिलहाल तो यार इसमें बहुत ही ताकतवर है। अभी तुम लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये इसके शाइनी फॉर्म्स है यार, मेरे को इसके अलावा कोई भी पिक्चर PNG फाइल मिली नहीं। तो यार तो इसी के वजह से इन तीनों को इस लिस्ट में होना ही चाहिए था और नंबर 1 की पोजीशन पे होना ही चाहिए था। तो दोस्तों अगर तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग को ऐसी अलग अलग पोकेमोन थियरी टॉप 5 वीडियोस चाहिए तो यार मैं लाते रहूँगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अपने थॉट्स है, अपने कुछ टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, अपने पोके बडीज़ के साथ शेयर करना, को जानते हो सबके पास शेयर करो, और सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। यार रोज अमेजिंग पोकेमोन की थियरी बताऊं तो यार आज के वीडियो का लाइक गेम का टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का हमेशा की तरह। मुझे पता है तुम लोग 150 लाइक्स का टारगेट एम कंप्लीट कर देते हो। तो यार दैट्स ऑल, तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूं। तो यार अब मैं तुम लोग को मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।